नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट के मामले में उन्होंने पुलिस में अपना स्टेटमेंट दे दिया है और पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। स्वाति मालीवाल ने इस घटना के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से कल गुरुवार को अपना पक्ष रखा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं और जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। मालीवाल ने कहा कि देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। इसके साथ ही उन्होंने घटना पर बीजेपी की ओर से दी जा रही प्रतिक्रियाओं को लेकर कहा कि बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट की घटना का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को नोटिस जारी किया है। विभव कुमार को आज शुक्रवार 17 मई को सुबह 11 बजे कमीशन के सामने पेश होने को कहा गया है। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल पुलिस के मुताबिक 13 मई को सुबह 9:34 पर एक महिला कॉलर ने पीसीआर कॉल की थी और बताया था कि मुख्यमंत्री आवास में उन पर हमला हो रहा है। इस कॉल के कुछ देर बाद ही स्वाति मालीवाल थाने पहुंच गई थी। हालांकि उन्होंने उस वक्त कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और वह वापस लौट गई। पुलिस की डायरी में पीसीआर कॉल के साथ जो नंबर दर्ज है वो स्वाति मालीवाल का ही नंबर है। कॉलर के हवाले से पीसीआर कॉल एंट्री में दर्ज है। इसमें लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। स्वाति मालीवाल के पुलिस में स्टेटमेंट दिए जाने के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आखिरकार स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत में इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अब मैं अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपके आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी घटना घटी तो आप उस समय घर में मौजूद थे। आपने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया? आपने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आप इस पर चुप क्यों हैं? भाजपा नेता ने कहा कि आपको तुरंत विभव को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पूरा देश, पूरा समाज स्वाति मालीवाल और हर उस महिला के साथ खड़ा है जिसके साथ ऐसी घटना होती है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला जो इनके साथ मुख्यमंत्री आवास में दुर्व्यवहार और मारपीट की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस पर कोई कार्रवाई, प्रतिक्रिया या बात नहीं की। यह बेहद शर्मनाक है कि दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख रही महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों के अपनी जीत के अलग अलग दावे लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार इंडिया ब्लॉक को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी जबकि एनडीए को करीब 200 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों में बीजेपी दोहरे अंक तक नहीं पहुंच पाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि बीजेपी इस बार भावनात्मक और विकासात्मक कार्ड खेल रही है। बीजेपी ने 2019 में लोगों से कई वादे किए लेकिन एक भी पूरे नहीं किए। उप मुख्यमंत्री ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वहां जो वादा किया वो सब पूरा कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हम सुनते हैं कि भाजपा ने जो भी वादे किए थे वे जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। कल गुरुवार 16 मई को हुए चुनाव में कपिल सिब्बल को 1066 वोट मिले और वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी वरिष्ठ वकील प्रदीप राय रहे जिन्हें 689 वोट मिले। बता दें कि कपिल सिब्बल 2 दशक बाद इस चुनाव में उतरे थे। इससे पहले वह 1995,
1997 और 2001 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं उन्हें बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कपिल सिब्बल को भारी बहुमत से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। यह उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों के लिए एक बड़ी जीत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के शब्दों में यह राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जल्द होने वाले परिवर्तनों का एक ट्रेलर भी है। देश के चुनावी माहौल में पीओके का मुद्दा भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। अब उनके इसी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज अमित शाह कहते हैं कि हम पीओके लेकर रहेंगे। 10 साल से आपकी सरकार थी, इसे ले लेना था। आपको पीओके लेने से कौन रोक रहा है? ले लीजिए आप। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब ओवैसी से सवाल किया गया कि क्या पीओके को भारत को लेना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल लेना चाहिए। अभी तक वहां पर गड़बड़ी चल रही है, हमने तो उनकी सीटें भी रखी हैं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ चुनाव के समय ही पीओके याद आता है। पिछले 10 सालों में आपको ये याद क्यों नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों अपने चुनावी भाषण में कहा था कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब उनकी इसी टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती। गृह मंत्री ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जीत और हार के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर आगे कहा कि एक मतदाता के रूप में मेरा मानना है, वे जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा, कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखेगी। देश के चुनावी माहौल में लगातार कांग्रेस को घेर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कल गुरुवार को आरोप लगाया कि ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। ये कांग्रेस के शहजादे उनके साथी ने बताया कि उन्होंने तो तय किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर को ताला लगा देंगे। PM मोदी ने कहा कि ये लोग भूल रहे हैं कि ये मोदी है, कि मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। मोदी है तो वो लिख कर रखें कि उनके लिए ये नामुमकिन है। प्रधानमंत्री ने आगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास गिल्ली डंडे के खेल की तरह है। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को न मेहनत की आदत है और न ही नतीजे लाने की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिनों कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम बाहर से उसे समर्थन देंगे। उनके इस बयान को 24 घंटे का समय भी नहीं बीता कि इस बीच उन्होंने एक और नया बयान दे डाला है। ममता बनर्जी ने अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए कल गुरुवार को कहा कि TMC इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और रहेगी। उन्होंने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने पहले कहा था कि बंगाल के स्तर पर कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर होगा। ये मैं थी ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बनाने में मदद की। हम केंद्र में गठबंधन के सहयोगी होने के नाते सरकार बनाएंगे। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और भविष्य में भी रहेंगे। ममता बनर्जी के इस यू टर्न पर केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी पहले इंडिया गठबंधन की सदस्य थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने ममता जी के बारे में और ममता जी ने अधीर रंजन चौधरी के बारे में क्या कहा वह सबके समक्ष है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरा फ्लॉप शो है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।